यूक्रेन युद्ध के चलते विश्व में बड़ी गेहूं की मांग। इस वर्ष भारत करेगा रिकॉर्ड तोड़ निर्यात। डिमांड बढ़ने से कीमतों में भी होगा अकल्पनीय इजाफा। क्या बड़ी कीमतों का फायदा किसानों को मिल पाएगा? सावधान, सरकार की छोटी सी लापरवाही छीन सकती है दलित मजदूरों के साथ साथ करोड़ों गरीबों का निवाला। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते इस वर्ष भारत द्वारा गेहूं का रिकॉर्ड तोड़ निर्यात करने की प्रबल संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों देश ही गेहूं उत्पादन और निर्यात में अग्रणी देश हैं। क्योंकि रूस यूक्रेन में पिछले 2 महीने से युद्ध चल रहा है, ऐसे में विदेशों में भारत से गेहूं की बहुत अधिक डिमांड है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में भी महंगी खाद्य वस्तुओं ईंधन की कीमतों में तेजी के चलते मार्च 2022 में थोक मूल्य आधारित महंगाई दर बढ़कर 14.55% हो गई है। यह भी भारत में गेहूं के मूल्य बढ़ने का एक प्रमुख कारण है। ऐसी परिस्थिति में व्यापारी सीधे किसानों के खेत, खलियान और घर से ही गेहूं की भारी खरीद कर रहे हैं। हालांकि व्यापारी किसानों को इस बार MSP से कुछ ज्यादा मूल्य दे रहे हैं, जो अमूनन अब तक MSP से कम प्राइस ही किसानों को अब तक मिलती आई है। किसानों को MSP से अधिक मूल्य मिलने का प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की भारी डिमांड है। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि क्या किसानों को बढ़ी हुई कीमतों का फायदा मिल पाएगा? कहीं किसान बिचौलियों की ठगी का शिकार तो नहीं हो जाएंगे? देश से अत्यधिक निर्यात होने पर भारतीय उपभोक्ताओं पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या बढ़ती कीमतों से गेहूं देश की आम जनता और गरीब लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगा? अगर गेहूं की कीमतें बढ़ती हैं, तो क्या सरकार महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई ठोस कदम उठा पाएगी ताकि आम जनता का 2 वक्त का पेट आसानी से भर सके? आज हम इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कहीं गेहूं के साथ भी ऐसा न हो जाए जो अब तक लहसुन, प्याज, आलू आदि ऐसी तमाम फसलों के साथ होता आया है, अर्थात किसानों से कम रेट पर गेहूं खरीदकर बाद में उन्हीं किसानों को महंगे दर पर गेहूं बेचा जाए। इन सवालों का जवाब समझने के लिए पहले आप आज दिनांक 25 अप्रैल की दैनिक भास्कर अखबार में छपी यह खबर को जरूर समझें। दैनिक भास्कर में छपी इस खबर के अनुसार गेहूं उत्पादक राज्यों में हो रही गेहूं खरीद के बीच अच्छी खबर यह है कि देश के सरकारी गोदामों में 189.9 लाख टन स्टॉक है। यह बफर स्टॉक के स्तर 74.6 लाख टन से 2.5 गुना ज्यादा है। यही नहीं, इस बार 1 से 20 अप्रैल के बीच ही 101 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 2022-23 की पहली तिमाही के लिए 32 से 35 लाख टन गेहूं निर्यात की बुकिंग हुई है। 2021-22 के पूरे वर्ष में करीब 78.5 लाख टन का निर्यात हुआ था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में गेहूं निर्यात 100 से 125 लाख टन को पार कर सकता है। इस बार गेहूं खरीददार देशों में नया नाम मिस्र का जुड़ा है। भारत अभी 69 देशों को गेहूं निर्यात कर रहा है। देश में गेहूं की मौजूदा स्थिति को लेकर भास्कर रिपोर्टर अनिरुद्ध शर्मा, राजेश खोकर ने पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव सिराज हुसैन से बात की। उन्होंने बताया कि निजी व्यापारी मंडी से बाहर खरीद रहे हैं, फिर भी सेंट्रल पूल में गेहूं की कमी नहीं है। तो आइए उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा, उन सवाल जवाब को जानते हैं। सवाल, सेंट्रल पूल में गेहूं की स्थिति क्या है? जवाब, FCI की रिपोर्ट बताती है कि सेंट्रल पूल में 1 अप्रैल 2022 को 189.90 लाख टन गेहूं स्टॉक है। यह तय मानक 74.6 लाख टन से 2.5 गुना है। हालांकि चिंता यह है कि 1 अप्रैल 2021 के मुकाबले 83 लाख टन कम है। सवाल,
कम स्टॉक के क्या कारण हैं? जवाब, केंद्र की गरीबों को मुफ्त राशन योजना में 187 लाख टन गेहूं गोदामों से निकला है। 2020-21 के 20.80 लाख टन के मुकाबले 2021-22 में 78.5 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट हुआ है। सवाल, मौजूदा खरीद सीजन कैसा है? जवाब, चिंताजनक है। मौसम की मार और खाद की कमी से कम पैदावार हुई है। इस बार 444 लाख टन खरीद का लक्ष्य है, लेकिन 26% तक कम रहने के आसार हैं। पंजाब हरियाणा में भी 15% तक कमी रहने के आसार हैं। पिछले साल हुई 433 लाख टन खरीद के मुकाबले खरीद 300 लाख टन से कम रहने के आसार हैं। 20 अप्रैल तक 110 लाख टन की ही खरीद हुई है। सवाल, उपज खरीद में अंतर क्यों रहेगा? जवाब, उपज कम है, निजी व्यापारी मंडी के बाहर खरीदी कर रहे हैं। उन्हें पता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ रहे हैं। आशंका है कि सेंट्रल पूल में गेहूं कम जाएगा। सवाल, आगे क्या संभावना है? जवाब, पिछले साल के मुकाबले कम स्टॉक है, खरीद भी कम है, महंगाई का असर दिखने लगा है, महंगाई दर तेजी से बढ़ी है, सरकार सीमित संख्या में एक्सपोर्ट करे। अब तक पूरी रिपोर्ट देखकर आपके सामने यह तो स्पष्ट है कि गेहूं की कीमतों में वृद्धि तो निश्चित है, लेकिन खबर के शुरुआत में जो सवाल खड़े हुए थे वो जस के तस हैं। आपको बता दें, इन सवालों का जवाब यही है जो कि पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव सिराज हुसैन जी ने दैनिक भास्कर को बताया कि सरकार सीमित संख्या में एक्सपोर्ट करे। इसके अलावा जनहित आवाज की तरफ से भी सरकार को सुझाव है जिन पर अमल करके देश के किसानों को बढ़ी हुई कीमतों का फायदा मिल सकता है। कोई भी किसान सस्ती दर पर अपनी फसल को सिर्फ मजबूरी जैसे कर्ज, भंडारण की व्यवस्था न हो पाना आदि छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी किसान फसल को बेचता है। किसानों को गेहूं की बढ़ी हुई कीमतों का फायदा मिले, इसके लिए सरकार को किसानों को उनकी फसल पर कम ब्याज दर पर आसानी से लोन की व्यवस्था करना चाहिए। भंडारण की समस्या से निपटने के लिए किसानों को किराए की जगह का उपयोग कर लेना चाहिए। फिर भी कोई मजबूरी हो तो कम से कम फसल बेचें, बाकी फसल बड़े हुए दामों पर ही बेचें। फसल खरीदने वाली कंपनियों से मुनाफों में शेयर का एग्रीमेंट भी किसान कर सकते हैं। एक किसान को दूसरे किसान के लिए जब तक ऊंचे दाम में किसानों की फसल नहीं बिचती है, भंडारण व आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहिए और अच्छा दाम मिलने पर उधार लिए पैसों को चुका सकते हैं। छोटे छोटे किसान ग्रुप बनाकर बड़े व्यापारियों को या विदेश में गेहूं एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथियों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर समय रहते सरकार ने गेहूं के निर्यात पर नियंत्रण नहीं किया तो सरकार की यह छोटी सी लापरवाही हजारों दलित मजदूरों के साथ साथ करोड़ों गरीबों का निवाला छीनने में देर नहीं लगाएगी। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में, दोस्तों में, किसानों के लिए शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।